हेलो गाइस, होप यू आर गुड। मैंने देखा है जब लोगों को डेटा केबल बाय करनी होती है ना, तो कहीं से भी कोई सी भी बाय कर लेते हैं। इससे पहले कि आप इस वीडियो को बंद करें, स्पॉन्सर्ड वीडियो है ये सोच के, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। इन केबल्स को मैंने ही परचेज किया है और मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। फोन एकदम बढ़िया वाला चलाएंगे, महंगा वाला, लेकिन केबल वही बेकार सी, जिसका ना कनेक्टर ढंग का होगा ना वायर की क्वालिटी सही होगी। सही बात तो ये है, लोग ज्यादा ध्यान ही नहीं देते। बट प्रॉब्लम क्या है ऐसा करने में, क्यों हम ये वीडियो बना रहे हैं? प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, जैसे कि स्लो चार्जिंग होना, टाइम से पहले बैटरी का खराब हो जाना, पोर्ट का ही खराब हो जाना, और सबसे बुरा फोन का ब्लास्ट हो जाना। मैं बताता हूँ आपको कि मैं कैसे चूज करता हूँ। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपको एक रेनाउंड ब्रांड की केबल लेनी है। मैं भी किसी रेनाउंड ब्रांड की ही केबल लेता हूँ। अब आप शायद कहो लोकल केबल में क्या खराबी है, वो भी तो सही काम करती है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए लोकल केबल आप बाहर से देखिए, हो सकता है वो बहुत अच्छी दिख रही हो, लेकिन क्या गारंटी है कि उसके अंदर जो वायर की क्वालिटी है वो बढ़िया क्वालिटी का वायर यूज किया गया है और उसकी थिकनेस भी अच्छी है? क्या गारंटी है बताइए। तो केबल के अंदर वायर की क्वालिटी कैसी है ये आपको बाहर से पता नहीं चलेगा, थिकनेस कैसी है बाहर से पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए अगर आप एक कम से कम रेनाउंड ब्रांड की किसी की केबल लेंगे, तो कम से कम इतनी अश्योरिटी तो वहां हो सकती है कि उसके अंदर जो वायर है वो अच्छी क्वालिटी का यूज करा गया होगा। आखिर क्यों मैं वायर की क्वालिटी पर इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्यों मैं वायर की थिकनेस पर इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं? देखिए वायर जो होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी केबल में। वायर ही तो होता है, और होता क्या है? तो कहने का ये मतलब है, जो भी सिग्नल ट्रांसफर होते हैं डेटा केबल में, जो भी करंट फ्लो हो रहा है डेटा केबल के अंदर, वो बहुत अच्छे से तभी फ्लो कर पाएगा जब उसके अंदर वायर अच्छी क्वालिटी का होगा, जैसे कॉपर का होगा या जो भी मटेरियल कंपनीज यूज कर रही हैं बढ़िया क्वालिटी का, वो अच्छी क्वालिटी का मटेरियल और उसकी थिकनेस अच्छी होनी चाहिए। मैं आपको बताऊं, मैं डेटा केबल्स का आज भी यूज करता हूं अपने स्मार्टफोन से लैपटॉप के अंदर डेटा ट्रांसफर करने के लिए। जब मेरी वीडियो फाइल्स 30 से 40 GB की हो जाती है, बड़ी बड़ी वीडियो फाइल्स यहां हो जाती हैं, मल्टीपल फाइल्स मुझे ट्रांसफर करनी रहती हैं लैपटॉप के अंदर, तो ऐसे केस में मैं डेटा केबल पर ही रिलाई करता हूं। और मैंने ज्यादातर केसेस में देखा है, जब भी मैंने लोकल डेटा केबल यूज करी है, तो वहां पे स्पीड जो है वो ज्यादा नहीं आती है या रिलायबल स्पीड नहीं आती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान के चलिए आपका 25 वाट का चार्जर है या 50 वाट का चार्जर है, तो चार्जर जो भी आउटपुट करंट निकाल रहा है वो आपका स्मार्टफोन तक तभी पहुंचेगा जब आपकी केबल की क्वालिटी अच्छी होगी। अगर केबल की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो 25 वाट 50 वाट जो भी आपका चार्जर करंट प्रोड्यूस कर रहा है उसका कोई फायदा नहीं है, आपका स्मार्टफोन स्लो स्पीड से ही चार्ज होगा। मेरे पास टाइप सी केबल्स काफी सारी हैं जो मेरे हेडफोन के साथ आती हैं, कीबोर्ड्स के साथ आती हैं, तो ये जो टाइप सी केबल्स होती हैं ना, इतनी ज्यादा चार्जिंग स्पीड नहीं प्रोवाइड करती। और दूसरी चीज, सिग्नल्स मतलब जैसे डेटा ट्रांसफर के लिए मैं यूज कर रहा हूं, तो उतना रिलायबल एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, किसी किसी में तो होता ही नहीं है। लोकल केबल्स के अंदर आप नोटिस करोगे, उनका जो कनेक्टर होता है ना, वो कभी कभी काफी बड़े साइज का होता है, नॉर्मली जो स्मार्टफोन के अंदर पाया जाता है, उसकी वजह से कभी कभी स्मार्टफोन की जो पोर्ट होती है वो भी खराब हो जाती है। और कभी कभी आप लोकल केबल्स के अंदर देखोगे काफी ज्यादा रस्टिंग का भी इशू देखने को मिलता है, लेकिन ब्रांडेड केबल्स में ये सारे इशू नहीं होते। कनेक्टर्स अच्छी क्वालिटी के होने के बाद, वायर की क्वालिटी अच्छी होने के बाद, बात आती है ऊपर के मटेरियल की। ऊपर का मटेरियल जैसा भी होगा, अगर ब्रेडेड होगा तो कॉस्ट और थोड़ी बढ़ जाएगी। जिस तरह का भी मटेरियल यूज किया गया होगा, यहाँ पे जो केबल है उसका प्राइस उसी हिसाब से सेट हो जाता है। और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की केबल्स का प्राइस डिफरेंट डिफरेंट होता है अकॉर्डिंग टू ब्रांड वैल्यू। मैंने अभी अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ केबल्स ऑर्डर करी थी, तो सोचा मैं इनके बारे में आपको बता देता हूं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस काफी अच्छा लगा। करीब 2-3 साल से मैं बोट की केबल्स को यूज़ कर रहा हूँ मल्टीपल तरीके से, टाइप सी केबल्स भी हैं, नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल्स भी हैं, तो मैं काफ़ी सारी केबल्स यूज़ कर रहा हूँ। मैं 5-6 केबल्स पहले यूज़ कर चुका हूँ पिछले 2-3 साल में, तो अभी मैंने ये केबल्स रिसेंटली परचेज करी हैं, इनका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ कैसा है। स्क्रीन पे आप बिल देख सकते हो, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैंने इन्हें परचेज किया है। 100 से लेकर 150 मुझे एक केबल का प्राइस पड़ा। इस समय ऑफर चल रहा था, रिपब्लिक डे सेल का ऑफर चल रहा था, तो 50% ऑफ का ऑफर था, तो मुझे ये केबल्स मिल गई इस प्राइस में। अलग अलग टाइम ड्यूरेशन में अलग अलग प्राइस चलता है, तो आप देख लेना अपने हिसाब से। बॉक्स कॉन्टेंट के अंदर वही निकलता है, एक वारंटी कार्ड जिस पर 2 साल की वारंटी मेंशन रहती है। ये जो केबल्स हैं 2 साल की वारंटी के साथ आती हैं, तो किसी तरह का इशू अगर आपको फेस होता है तो आप इन्हें रिप्लेस कर सकते हो, आराम से रिप्लेस हो जाती है। 2 साल की वारंटी कहां मिलती है? एक तो पहले से ही क्वालिटी प्रोडक्ट है, ऊपर से रिप्लेसमेंट भी मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, वैसे ही केबल खराब नहीं होती। कनेक्टर्स की क्वालिटी एकदम प्रीमियम है, काफी प्रीमियम फील होती है। केबल की स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी है, और ब्रेडेड केबल्स हैं यहां पर, ये बहुत ज्यादा अच्छी बात मुझे लगी। और 100 रुपए में मतलब आपको 1.5 मीटर की केबल मिल रही है, वो भी ब्रेडेड है, और इतने सारे फीचर्स के साथ मिल रही है, इतनी अच्छी क्वालिटी के साथ मिल रही है, तो कमाल की बात है। केबल्स के ऊपर जो
ब्रेडेड मटेरियल यूज़ किया गया है, थ्रेड यूज़ किया गया है, वो कॉटन जैसा लगता है, काफ़ी सॉफ्ट सा है और जो केबल्स है बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल ही है। करीब 2-3 साल से मैं इस ब्रांड की केबल्स को शॉप कर रहा हूँ और मुझे इनकी क्वालिटी काफ़ी सेटिस्फैक्टरी बहुत अच्छी लग रही है। बाकी आप कौन सी केबल्स यूज़ कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी केबल यूज़ कर रहे हो या स्मार्टफोन के साथ जो केबल आई थी वही यूज़ कर रहे हो, नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपने पहले बोट की केबल्स का यूज़ किया है, कैसा एक्सपीरियंस है आपका, नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, हमें जान के अच्छा लगेगा, कम्युनिटी की हेल्प होगी। मैंने इन केबल्स के बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं उनके लिए आप बाय करने का ट्राई करना, हमें अच्छा लगेगा, हमारे चैनल को थोड़ी सपोर्ट मिलेगी ताकि हम जेन्युइन रिव्यूज और ला सकें। चलिए फिलहाल एंड करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए इसी तरह का जेन्युइन कंटेंट देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।